नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपका टाइम्स ऑफ लाइफ डेली जॉब अपडेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छी बम्पर वैकेंसी आई हुई है, जिसमें बात करें तो फ्रेंड्स, इसमें जो है टोटल 500 पदों पर यह भर्ती रहने वाली है। और इसमें जो है क्रेडिट ऑफिसर और जो है आईटी ऑफिसर की पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल जो है 500 पोस्ट रहने वाली है। और कैंडिडेट जो है मेल फीमेल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मीडियम में। और सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा 3 स्टेज में जो है सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, जिसमें ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्सनल इंटरव्यू होगा, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन होने वाला है। इसमें अगर टोटल जो बात करें तो पर्सनल इंटरव्यू में जो है डिटेल में, तो इसमें 60 नंबर का जो है ये होने वाला है पर्सनल इंटरव्यू। और इसमें मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो रखा गया है 40% जो है जनरल EWS कैटेगरी के लिए, और नेक्स्ट जो है 35% SC ST OBC PWD के लिए जो है क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया। और ग्रुप डिस्कशन जो है 40 नंबर का रहने वाला है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% रहेगा जनरल EWS कैटेगरी के लिए, और नेक्स्ट जो है 35% SC ST PWD और OBC कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाला है। और इसमें सैलरी जो मिलने वाली है बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जिसमें 36,000 सैलरी रहने वाली है। और इसमें जो है एज लिमिट जो रखा गया, मिनिमम जो है 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 29 ईयर होना चाहिए। और इसमें फीस जो आपको पे करना है फ्रेंड्स, इसमें जनरल और EWS और OBC के लिए जो है 850 रुपीज़ रहने वाला है, और SC ST PWD कैटेगरी के लिए जो है 175 रुपीज़ फीस पे करना है। और कैंडिडेट जो है नेट बैंकिंग, मास्टर कार्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह से जो है फीस को पे कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स डिटेल में बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है इसमें भर्ती के लिए। इसमें क्रेडिट ऑफिसर के लिए जो है डिग्री मांगी गई है किसी भी क्षेत्र में, किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। और जो है नेक्स्ट जो पोस्ट है आईटी ऑफिसर के लिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर आपके पास कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो तो अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें से पहले जो है अगर आपके पास 4 ईयर का इंजीनियरिंग जो है डिग्री है, जिसमें इन जो है कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, या फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जो है इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो फिर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें फ्रेंड्स ग्रेजुएशन में जो मांगा गया है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन से जो है पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो फ्रेंड्स आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स ये कब से और कब तक जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है फ्रेंड्स आप जो है 11 तारीख से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जो 25 फरवरी तक रहने वाला है। और इसमें फ्रेंड्स अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसकी वेबसाइट जो है www.bankofindia.co.in पर जाकर इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड्स नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए, और ताकि जॉब्स की नोटिफिकेशन जल्दी से आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका नोटिफिकेशन मैं उसी पे सेंड कर देता हूँ। तो मिलते हैं किसी अन्य भर्ती में। थैंक यू।